अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफिशियल और मैं हूं एहसन रशीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना मत भूलें। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि मैं चंद ऐसे हकाइक और ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो आपको बताने लगा हूँ जो कि हमारा ना तो मीडिया डिस्कस कर रहे और ना हमारे यूट्यूबर्स जो इस चीज़ के ऊपर व्लॉगिंग कर रहे हैं या रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए इसराइलियों का तो आपको पता है कि वो किस तरह से बर्बरीत कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो फ़लस्तीनियों की जो ताकत है या जो वो आगे से जवाब दे रहे हैं उसको वो बड़े गलत तरीके से बयान कर रहे हैं। हिंदुस्तानियों का देखें तो वो अपने तरीके से कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं। मैं चंद चीज़ें आपको बताता हूँ जिनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखें ये जो लड़ रहे हैं इसराइल के साथ, ये एक छोटी सी तंजीम है मुसलमानों की जो लड़ रही है। इसके साथ मुस्लिम दुनिया की और किसी फौज इसके साथ नहीं खड़ी हुई है अभी तक। हाँ चंद ममालिक हैं जो असला पहुँचा रहे हैं जिनमें ईरान सारे फहरिस्त है, लेकिन वो भी उस तरीके से उनके साथ खड़ा नहीं हो पा रहे जिस तरह से होना चाहिए था। एक छोटी सी उम्मीद थी हम लोगों को कि यूएन की एक सलामती कौंसिल की एक मीटिंग होनी है तो उसमें कुछ दबाव डाला जाएगा, लेकिन अमेरिका ने अपने असर रसूख के इस्तेमाल करते हुए दबा दिया, उसको डिले करवा दिया और ये पैगाम भिजवा दिया इसराइल को कि आप जितना मर्जी है इनको मारो, हम लोग आपको उतना टाइम ले दे रहे हैं, अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। 44 सेनेटर ने खत लिखे जो बाइडन को कि इनकी ये जो फ़लस्तीनी है ये दहशतगर्द हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि ये जो फ़लस्तीनी है ये दहशतगर्द हैं, इसराइल को इनको मारने दो। इसका क्या मतलब है, ये क्यों इतना इसराइल की तलबदारी कर रहे हैं? इनकी ऑर्गेनाइजेशन है यहूदियों की एक अमेरिका के अंदर और मुख्तलिफ अमेरिका के इलाकों में है। जब भी सेनेट के इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस जैसे आप लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं, ये जो उधर के पॉपुलर सेनेटर्स होते हैं या उम्मीदवार होते हैं उनको बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि आप अमेरिका और इसराइल की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, वो राय लेते हैं उनसे पेपर के ऊपर लिख के और फिर उनको फंडिंग करते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है या अमेरिकन टाइम्स है, ये यहूदियों की न्यूज़ एजेंसी है, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा, अगर नहीं भी है तो अभी आपको पता चल गया। ये मीडिया में गलत रिपोर्टिंग करवाई जाती है, जैसा कि पाकिस्तान के इलेक्शन में आप देखते होंगे जियो न्यूज़ के ऊपर नून लीग का जो है वो बताया जाता है कि ये इतने पॉपुलर है, ARY के ऊपर PTI का बताया जाता है। इस तरह चंद एक न्यूज़ चैनल है जो अपनी पसंदीदा पार्टीज़ को सपोर्ट कर रही होती हैं, ये सीन वहीं वहाँ पे भी होते हैं। उस खत में जो सेनेटर ने लिखे उस खत में ये लिखा गया था कि इसराइल के ऊपर किसी किस्म की भी कोई दबाव मत डाला जाए, उस इसराइल की मदद की जाए। इसराइल एक मासूम मुल्क है, वो एक न्याकता मुल्क है और उसके ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी हो रही है उसके ऊपर आप कार्रवाई करें। यहाँ पर मैं आपको ये भी खबर दूं कि आप OIC से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं आप लोगों ने। सऊदी अरब में जो इनका एयरबेस है अमेरिका का, उसके ऊपर F-35 पहुँचा दिए गए हैं कि अगर तुर्की या पाकिस्तान इसराइल के ऊपर हमला करते हैं तो उनको आगे से जवाब दिया जाएगा। और किस जगह के ऊपर पहुँचे, सऊदी अरब में। सऊदी अरब कौन सा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है जो पूरे आलम इस्लाम की तर्जुमानी कर रहा है। OIC से आप लोग उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं जिसकी आप जो मजम्मत तक सही तरह से नहीं कर सके, ये लोग आलम इस्लाम के लिए खड़े होंगे, ये फ़लस्तीनियों को बचाएंगे। देखें मैं एक मुसलमान हूँ और हम मुसलमान को आपस में जितनी मर्जी है झगड़े हों, लेकिन जब किसी मुसलमान को कोई यहूदी या ईसाई मार दे तो दिल में दुख होता है, दर्द होता है, दिल करता है कि उसके लिए लड़ने के लिए पहुँचे बंदा, हर मुमकिन उसकी मदद करें। लेकिन यहाँ पर मैं एक दो फैक्ट्स आपको बताता हूँ। देखें मेरा दिल करता है पाकिस्तान फौरन जो है हमला कर दे और उसकी इसराइल की इस दफ़ा पिटाई होनी चाहिए। कि चंद ऐसी बातें हैं जो आपको बताई नहीं जा रही हैं, वो आज के व्लॉग में मैं आपको बताने लगा हूँ। थोड़ी सख्त हैं, मुझे पता है मुझे तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, लेकिन ये सच्ची बातें हैं जो बतानी चाहिए और आप लोगों को पता होनी चाहिए ये बातें।
देखें पाकिस्तान, मेरा दिल करता है पाकिस्तान आज ही मिसाइल बलूचिस्तान से लॉन्च करे और इसराइल को तबाह कर दे, लेकिन उसका जो रिस्पांस आएगा वो क्या आएगा? इसराइल यूएन नेशन में जाएगा, जितनी भी ममालिक हैं नेटो के उन सब को पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करवा देगा। पाकिस्तानी हम लोग बड़े बहादुर हैं, हम लोग लड़ेंगे, लेकिन हमारा हाल क्या होगा? अफगानिस्तान जैसा, अफगानिस्तान में तालिबान जंग जीत गए हैं, लेकिन उधर देखें कितने लोगों की जानें चली गई हैं, उनका क्या नुकसान हुआ? वो 100 साल पीछे चले गया है अफगानिस्तान, बल्कि 100 साल पहले भी वो बहुत तगड़ा मुल्क हुआ करता था। सीरिया का क्या हाल हुआ है, इराक का क्या हाल हुआ है? ये जो चीज़ें होती हैं इनको बड़ी समझदारी के साथ काउंट करना पड़ता है। कुछ लोग हवाला दे रहे हैं मुग़ल बादशाहों का, कुछ हवाला दे रहे हैं टीपू सुल्तान का, कुछ महमूद गज़नवी का हवाला दे रहे हैं। देखें, समझने की कोशिश करें, वो लोग जो थे वो अपने टाइम के सुपर पावर माने जाते थे, उनके पास जदीद से जदीद तर असला था, हमारे पास क्या है? चंद मिसाइल हैं और चंद लड़ाका तैयार हैं। इनके साथ हम पूरी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, अगर कर सकते होते ना तो अभी तक भारत के हम लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। ये जो ऐवानों में लोग बैठे हुए हैं ये इस काबुल थे तो अल्लाह पाक ने इन्हें वहाँ तक पहुँचाया है, जो हमारे जरनैल बने ये इस काबुल थे तो अल्लाह पाक ने इन्हें बनाया है। मैं इस काबुल था कि मैं रिपोर्टिंग कर सकूँ तो अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ पर पहुँचा दिए। उनकी सोच हमसे बहुत बड़ी है, वो भी अपनी जगह के ऊपर मुसलमान हैं सारे, वो भी तड़पते होंगे शायद। मैं ये नहीं कहता कि मैं उनसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या पता वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो, क्या पता आप जो मुझे सुन रहे हैं आप ज़्यादा प्यार करते हो, या क्या पता मैं आप लोगों से ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन चीज़ों को मैनेज किया जाता है, एक 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 मत अमली के तहत किया जाता है। ये मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ तो हमला हो गया, पाकिस्तान ने फौजें उतार दी, तुर्की ने फौजें उतार दी, गलत रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, जो फैक्ट्स हैं हकीकत है उसको वाजे करना चाहिए। हो सकता है हमला, अगर सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो सिर्फ खड़े हो जाएं, साथ लड़े ना जागे, सिर्फ खड़े हो जाएं, फिर हमला हो सकता है। फिर पाकिस्तान फ़ौज भी बहुत कुछ कर सकती है, ये बड़ी काबुल फ़ौज है, ये नेटो के साथ भी लड़ सकती है, लेकिन ये जो सऊदीया और यूएई हैं इनका साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ इतना ऐलान कर दें कि हम लोग एक मुस्लिम फौज बना के उसको फ़लस्तीन में उतार रहे हैं ताकि वहाँ के फ़लस्तीनियों को बचा सके, इसराइली यहूदियों से नसूरों से बचा सके, तो यही बात इन लोगों की बहुत है। उधर से इसराइल दोबारा उनकी तरफ देखेगा नहीं, फौज जानी तो बहुत दूर की बात है। पूरी दुनिया कभी भी मुसलमानों के साथ पंगा नहीं ले सकती है, ये 60 ममालिक की फ़ौज या 60 ममालिक के साथ पंगा लेना ये आरे के बाद की बात नहीं है, और ऊपर से रूस और चीन जैसे ममालिक जो हैं वो मुसलमानों के साथ मिल जाएं, तो रूस और चीन को तो मौका चाहिए कि मुसलमान ममालिक सारे एक इत्तेहाद बनाए और हम लोग उसमें शामिल हो गए, अमेरिका और इसराइल की जो है वो धज्जियाँ उड़ा दें। ये तो कब से इन मौक़ों की तलाश में है। यहाँ पर मुस्लिम ममालिक का ये काम बनता है कि ये अपने जितने भी अख्तलाफात हैं उनको एक जगह के ऊपर रखें, लेकिन जो किबला अव्वल है कम से कम उसकी हिफाजत के लिए तो कुछ ना कुछ करें। मैं आज ही आपको बता रहा हूँ, OIC से सिर्फ एक मजम्मत होगी और थोड़ी बहुत बातचीत होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर OIC इतनी तगड़ी होती ना तो आज इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और फ़लस्तीनियों के साथ, कश्मीरियों के साथ जुल्म ना हो रहा होता। ये सिर्फ अपने मकासद को देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, या हमारे लिए नहीं सोचती है OIC, ये हम लोग हैं जो तड़पते हैं। आज के व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।